हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ सब लोग बड़े होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। और भाई कैसा लगा तुम्हें व्लॉग कल वाला? जरूर बताना, थोड़ा रिएक्शन था। और भाई वो जो पेट्रोल पंप वाला सीन था ना भाई, तो किसी किसी को सही लग रहा होगा, किसी को गलत। तो भाई मैं अपने हिसाब से बताता हूँ क्या सीन था। वो अंकल ना भूले नहीं थे पहले, सबसे पहले याद रखना, वो भूले नहीं थे। अब मुझे नहीं पता वो क्या था, वो ना मेरे उसमें पेट्रोल डालने वाले थे। तुमने देखा होगा व्लॉग में, अगर नहीं देखा तो दोबारा जाके देखना। वो ना मेरे उसमें डालने वाले थे, तब तक मैंने खुद बोला, मैंने अंकल जीरो तो कर दो उसको। फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर ऐसे कुछ किया करके, फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला यार क्या कर रहे हो? तो वो सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बोलूँगा ही क्यों भाई, मुझे थोड़ी ना भाई वो करना है अपना पेट्रोल कम। पेट्रोल अगर बाई चांस मेरे साथ कुछ स्कैम करते, मतलब करने वाले थे वो, तो अपने पे गोप्रो था। और मेरे क्या बोलते उस टाइम पे थोड़ा दिमाग था कि हाँ भाई देखना, कोई कोई देखते नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। मैंने पहले ही बोल दिया था बहुत भीड़ थी, तो ये सीन हो रहा था वहाँ पे। तो उनने बोला कि भाई ऐसा क्या है ये वो, मैंने भाई तू चुपचाप डाल ले, देखा नहीं मैंने ऐसे बोला, मैंने हाँ हाँ डालो डालो यार, फालतू मुँह नहीं लगता उसके बाद जैसे एक बार पकड़ा जाता है इंसान। तो भाई बस यही बोल रहा था मैं, गंदा सीन मतलब वो। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद क्या है मैंने तो बता दिया। बाकी जितने भी उत्तरकाशी अगर ये वाला व्लॉग देख रहे हैं तो भाई उसको शेयर कर देना। और अगर कभी भी उधर जाओगे ना तो हमेशा ध्यान रखना जीरो का, उस वाले पेट्रोल पंप पे तो देखना ही भाई, ठीक है? तो क्योंकि अभी मेरे को उसी पे डाउट है, तो उस पे ज़रूर देखना। तो चलो अभी तो बस घर पे ही हैं, आज हम जा रहे हैं अपने गांव। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने गांव, एक तो नानी लोगों गांव होता है, ठीक है, नानी लोगों का नहीं दादा लोगों गांव पे जा रहे हैं हम अपने गाँव में। तो भाई मैंने बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, बहुत टाइम बाद, छोटा था तो बस थोड़ी बहुत याद है मुझे कि हाँ ऐसा था ऐसा था, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं है। तो अब मैं आज जा रहा हूँ भाई, सोचो इतने टाइम बाद। वहाँ हमारे देवता हैं, तो देवता के पास जाएंगे हम, क्या क्या सीन है क्या क्या है, हम अपने देवता को मतलब, एक तो ऐसा भी है ना कि काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं तो देवता के पास जाना, अपने जो देवता होते हैं, तो ऐसा सीन है। तो चलते हैं आज, होते हैं तैयार तैयार, फिर मिलते हैं भाई आपको ऐसे ब्लॉग में, बने रहो। सो गाइस अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ, मम्मी लोग तो आगे चले गए, मेरा गोप्रो का चार्जर छूट गया था इसलिए मैं लेने चला गया था उसको। तो निकलते हैं भाई। देखो मैंने नीचे से ऐसी जीन्स पहन रखी है, आज ही पहनी भाई मैंने जीन्स, और अंदर से शर्ट पहन रखा है जो दिख रहा है हल्का हल्का ना, शर्ट शर्ट पहन का। निकलते हैं भाई, वो मेरा गांव भाई, इतना मन कर रहा है वहाँ जाने का। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और फिर मिलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं। सो गाइस मेरी मम्मी खो गई है, मतलब खो गई मतलब मम्मी के पास फ़ोन नहीं है, जो मम्मी का फ़ोन था घर पर छूट गया था, फिर मैं यहाँ लेके आया, तब तक मम्मी गाड़ी पर बैठ गई थी, मैंने इस साथ आए। फिर भैया पता नहीं कहाँ चली गई यार मम्मी, मैं पीछे मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ, इधर ही साइड होगी तो इधर ही होगी यार मम्मी। कहाँ चली गई भाई मम्मी, खो गई मेरी। हेलो तो गाइस अभी हनुमान चौक के बगल में ही है जस्ट, और मेरे यहाँ पे बुड्ढा की दुकान है, मतलब हमारे बड्ढे जी की दुकान है पूरी ये, और ये भी दुकान है इनकी भी, हमें अच्छे से जानते हैं। पर अभी मैं बहुत टाइम तक नहीं गया इसलिए अब शायद भूल भी क्या गए होंगे, एक बार मैं हेलो तो पाड़ में तो पहचान लेंगे। अब पता नहीं तेरी हड्डी ये मेरे उत्तरकाशी में आके हेलो गाइस, मेरे उत्तरकाशी में आके हेलो गाइस, ये नाने के दोस्त का होटल है, ये भी नाने के दोस्त का होटल है, हमारे रिश्तेदार का, यहाँ सारा अपना ही सीन है भाई, कोई टेंशन नहीं होती। तो गाइस ये यहाँ की जानी मानी दुकान है भाई, नमस्ते अंकल, बढ़िया अंकल जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया, और बढ़िया, तीन सॉफ्टी कर देना अंकल, तीन सॉफ्टी दो। हाँ जी खाने, और अभी कहाँ कहाँ टूर कर जा रहे हो? देहरादून से आ रहे हैं अभी इधर, मम्मी के साथ आ रहा हूँ। हाँ जी और सब बढ़िया अंकल जी, कहाँ दूसरे? वो अभी घर हैं। अच्छा अच्छा, देख सकते हो पूरी जान पहचान के बाहर आई थी, तीन सॉफ्टी कर दो भाई।
तो गाइस मैं दोबारा उसी पेट्रोल पंप पे आ गया और अभी भी जीरो नहीं हुआ वहाँ का समय। सच बोल रहा हूँ भाई, हाँ भाई मोहित सही नहीं बोला मैंने, अभी भी नहीं, तीन बाइक में डाला और तीनों ने एक साथ ही डाला भाई, जीरो नहीं हुआ भाई। मुझे नहीं पता पर मैं तो अपना जीरो कराऊंगा भाई, देखो ज़्यादा लड़ने की दिक्कत नहीं है, बस उत्तरकाशी वाले जितना भी देख रहे हैं इतना आप याद रखना कि यहाँ से जब भी आना भाई जीरो करवाओ, बस इतना बोलूँगा। दो सौ का मैं तो अपने से 200 का डला रहा हूँ और फिर निकलते हैं, बैठ बैठ में करते हैं भाई, ठीक है ना। दो सौ का डाल दो, तो बारी आ चुकी है अगर इसके बाद 500 रुपये हमने यहाँ पर दे दिया। आज दोबारा हुआ वही स्कैम, और तुम्हें पता है भाई तुम लोग सोच रहे होंगे भाई अगर मेरे साथ हो रहा है तो मैं लड़ क्यों नहीं रहा, तो भाई देखो यार साफ बात ना, मैं यहाँ का होता हूँ पक्का लड़ता, ठीक है क्यों भाई, कोई बात नहीं है। मैं अगर इधर ही मतलब रोज रह रहा होता, अब ऐसा है एक तो अपने गाँव भी है और मैं लड़ूंगा ना, वो लोग और बोलेंगे कि भाई यार लेट हो रही है तुम लड़ रहे ऐसा, तुम भीड़ देख सकते हो, और उस बंदे ने क्या बोला मुझे कि भाई भीड़ हो रही है इसलिए हम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, डालो तो मैंने तुम्हें उसमें 200 का, तो भाई नहीं होता है 200 का नहीं डलता इसमें, ठीक है मेरे साथ हुआ है पर मेरा उसमें डाला है उन्होंने 200 का, पर नहीं है 200 का भी पूरा नहीं होगा मुझे पक्का पता है, तो मैंने ये डाल दिया, आज भी देखना इसका फ्रॉड पकड़ते हैं हम तुम लोग, आज मैं पूरा डाल दूंगा इसमें पूरा क्या क्या सीन है, ठीक है ना, और तुम तब अपने हिसाब से डलाना अपने तरीके से डलाना। गाइस तुम लोग देख ही सकते हो कैसा पेट्रोल डाला उसने, पर मैंने उसको मुँह पे बोला, फिर उसके बाद पीछे वाले बाइक वाले थे ना उसने बोला हाँ भाई भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा, देखो यार मैं करने के लिए तो मैं भाई वहाँ पे लड़ाई भी कर सकता था कि वहाँ के मेन हेड पे जाके वहाँ पे बोल सकता था कि क्या चल रहा है, देखो भाई मैं तो रोज़ हाँ से डलाने वाली आता, अगर मैं रोज़ डलाता तो मैं पक्का जाता, और भाई भाई तुम्हारी बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई भी उत्तरकाशी वाला लड़का देख रहा है अगर ऐसा हो रहा है ना पहले वीडियो बनाओ ताकि प्रूव रहे, फिर वहाँ जाओ ऑफिस में फिर बोले क्या सीन है ये, मैं तुम्हें आराम से बता रहा हूँ पूरा तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे पास होगा तुम्हारे हाथ पे होगा अगर तुमने वीडियो बना रखे, मेरे पे है मैं अभी भी जा सकता हूँ लेकिन भाई मैं रोज़ नहीं जा रहा उधर, पहली बात तो ये है, तो भाई अपने रिस्क पे जाओ ठीक है ना, अब तुम रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल डला रहे हो उसमें चल रही 50 रुपये का है, तो देख लो अपने हिसाब से भाई क्या सीन होगा फिर, तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अभी मम्मी लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं और मैं अपनी टोक्यो पर जाऊँगा, मम्मी मोहित और मैं इस पर जा रहे हैं, मम्मी लोग तो आएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा रास्ता है, तो इसलिए गाइज अभी हम लोग यहाँ बैठ रखे हैं साल्ट गांव में, देखो इस गांव में बैठ रखे हैं जो हमने उस दिन दिखाया था, मैं और ये बैठ रखे हैं भाई, इस दुकान में ना पानी पूनी यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, मतलब ना पानी ना कोल्ड ड्रिंक, और मम्मी लोगों ने बोला हमारा वेट करना, तो मम्मी लोगों का वेट कर रहे हैं, गाड़ी हमने यहाँ पर लगा रखी है, यहाँ भी हमें दोस्त मिल गया, आ जा। तो भाई देख सकते हो तुम लोग पेट्रोल पंप का स्कैम, भाई बता दें यार तेरा उत्तरकाशी है यार, मतलब है तो अपना पर लेकिन ये लोग रोज़ डलाते हैं, ये भी डलाते रोज़ जो मार्केट वाले हैं वो डलाते होंगे रोज़ है गाइज, अबे भाई दो बार हो गया इसी के सामने, हम दोनों के साथ दो बार हो गया देखा, पर लेकिन भाई मैंने दोनों बार अपने उस पर बोला, पर तो स्कैम ऐसा नहीं होता है, पर हमने चेक करा कि उसके बाद डाला कि डाला पेट्रोल, साफ सीधी पेट्रोल देखो डाला लेकिन कम डाला यार, देखो अबे भाई पेट्रोल ना जीरो से डले ना तब पूरा डलता है भाई, चलो ना काम के हवा माहौल
तो गाइस इधर बहुत ज़्यादा कच्ची रोड है भाई, देख सकते हो। और गांव अभी यहाँ से भी नहीं दिख रहा, सोचो दूर है वैसे गांव तो, नाना बता रहे थे ऐसा। गया मैं भी हूँ लेकिन मैं बहुत छोटे में गया था तो अभी मुझे याद नहीं है ढंग से ना भाई रोड वगैरह सब। एक गांव तो ये भी दिख रहा है पर ये कौन सा ये नहीं पता। तो चलो हम लोग चलते हैं। और ये देखो भाई, ये मैं बोल रहा था उस दिन, ये यूथ फाउंडेशन ये इधर ही है कहीं। सो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके थे, याद है तुम्हें हम लोग पिछली बार इस मंदिर पे रुके थे। तो ये है यहाँ पे जय महावीर देवता मंदिर, ठीक है। तो भाई ये लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ पे पता क्या होता है, जब भी यहाँ से कोई आगे जाता है ना, जब भी गांव जाना हो या कुछ शुभ काम करने जाना हो तो यहाँ पे सिरपल फाड़ना पड़ता है। तो पीछे से मम्मी लोगों की गाड़ी आ रही है, हम लोग यहाँ पे सिरपल फाड़ेंगे, ये हमारा रीति रिवाज है और ये करना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तुम लोग जा नहीं सकते। तो अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है, फिर मिलते हैं भाई आपको। फोड़ दे फोड़ दे, ये रहा ये रहा इधर पत्थर यार। कोई नहीं जूते ना। अरे कोई बात नहीं। तो गाइस ये चल रही है अपनी, आगे आगे गाड़ी गाड़ी चल रही है और पीछे पीछे हम चल रहे हैं। पहाड़ों की रानी है भाई ये, बादशाह, ये क्या बोलते हैं इसकी, बादशाह बोल रहा ये बुलेरो भाई, भयंकर चलती है भाई ये पहाड़ों में, सच में देख सकते हो काफ़ी भाई टूटे रास्ते, पर व्यू अच्छा है, क्यों बोलो भाई, भाई व्यू तो अच्छा है, क्यों बोलो भाई। इधर ना इधर स्कूटी भी कामयाब नहीं है ना बाइक है, बाइक है तो अच्छी अच्छी एक्सपल्स जैसे मान लो जो ऑफ रोडिंग होती है भाई, मैं तब से एक दो किलोमीटर हो गए तब से ऐसी टूटी रोड आ रही है ऐसी, अभी आई है थोड़ी बहुत सही, ये यही सब हो सकता है हम थोड़ी बहुत सही रोड, वरना भाई भयंकर बड़े बड़े पत्थर पुथर सब रास्ते में, सब आ रहे हैं भाई रास्ते में। ये देखो दोबारा हटो, ये देखो सामने देखो रोड कैसी है, अरे भाई बहुत गंदी रोड है भाई हमारे गांव के लिए भी। भाई यहाँ से देखो और नीचे देखो, ओए होए 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 मज़ा आ गया भाई, आ रहा हूँ मैं अपने गांव आ रहा हूँ। चलिए आराम से, हमने भाई आराम से किराए में आएंगे किराए में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है यार, नीचे आने के लिए है भाई, भाई भाई यहाँ देखो पहाड़ों से ऊपर आ गए भाई, पहाड़ों से ऊपर पहाड़ नीचे रह गए भाई, यहाँ देखो देवीदार के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो भाई ये जो क्रिसमस की तरह तुम्हें पेड़ दिख रहे, क्रिसमस ट्री की तरह, उसको बोलते हैं देवीदार के पेड़। और देखो पूरा पेड़ जंगल इसी से है भाई, कितना मस्त लग रहा है, कितना मस्त। ओ भाई सो गाइस फाइनली ये रहा हमारा गाँव, ये निसमोर है और इसके पीछे पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं भाई कितना। तो मैं नाना के साथ बाइक खड़ी करने आया था, बाइक तो मैंने उधर खड़ी कर दी, ठीक है, वहाँ से हमारे रिश्तेदार का घर है ना तो वहाँ से नीचे देख सकते हैं बाइक को। सो गाइस मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं पक्का दिखाता तुम्हें, यहाँ देखो भाई घर, ओ भाई पुराने ज़माने वाले जैसे होते ही थे हमारे। तो ये देखो भाई, एक ये रहा पटाल का घर, तुम लोग देख सकते हो ये ना पूरे पत्थरों से बना है, देखो पत्थर और मिट्टी, ना कोई चूना ना कुछ। तो ये देखो यहाँ जाने का आ जाओ, कौन सा बना दी मैंने, बना दी मैंने। तो गाइस ये हमारा घर और ये देखो भाई ये क्या है, कुछ नहीं है, ये तो टूट गया पूरा, टूट गया तो बना दे, बनाएंगे बनाएंगे अब ना। तो पूरा घर टूट गया हमारा, देख कोई नहीं बना लेंगे, अभी टाइम आने पे बनाएंगे भाई, सच में बनाऊंगा मैं ही बनाऊंगा। तो भाई पूरा टूट गया भाई, यहाँ तो हम रह नहीं सकते, पर वैसे रिश्तेदार काफी है मम्मी, ये जब इसका जब होंगे ना ठीक ठाक तो ये अपने लिए यहाँ मकान बनाएगा। चलो भाई अपना घर है तो अपने हम ही बनाएंगे, और कौन बनाएगा। हेलो गाइस, हम अपने ससुराल में पहुँच चुके हैं, अभी इधर में ससुराल थी और ये हमारा पुराना गांव है, यहाँ हमारे देवी देवता रहते हैं। सो गाइस ये देखो भाई कैसा है हमारा गांव पूरा भयंकर, यहाँ देख सकते हो पटाल वाले घर, मम्मी आ रही है पीछे से, और ये देखो भाई ये रहा काफ़ी अच्छा है। सो गाइस ये देखो ये घर कितना ओल्ड टाइप का, कितना पुराना है। चलिए कुछ कुछ नए बन चुका है यहाँ पर, ठीक है ना, नया नया भी बन गया इधर और पुराना भी है। तो भाई मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ इधर, बहुत ज़्यादा कम लोग। अभी हम आपको एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर बनाएंगे, अभी देखना भाई जो इस गाँव में ना मेरे जो बड्डा है, क्या है क्या है मेरे मम्मी, वो क्या लगते मेरे बंदे बुढ़िया जी बुढ़ा,
बुड्ढा। तो भाई जो हमारे बड्डा है ना बड्डा, तो उनकी गांव में चलती है भाई भयंकर वाली। सच में भाई झूठ नहीं बोल रहा भाई, भाई भाई चलती है। तू देख रहा यार भयंकर है भाई उनका। भाई ये मेरा बड्डा जी है। बड्डा जी एक बार हेलो कर दो ऐसे। हेलो 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 हेलो, ये है हमारे बड्डा जी। कहाँ है अभी भी बड्डा जी? हमारे साथ ही पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर पहले पहुँचे ना, थोड़ी देर पहले। हाँ तो कहाँ है फिर? कहाँ है क्या? ये देखो, ये ऐसा टेढ़ा कर रखा मैंने। अच्छा तो कहाँ? ये कल यूट्यूब पे दिखेगा। अच्छा यार इसमें नहीं देखा है। देखो हाँ आ रहा हूँ। घर पहुंचे यहाँ देखो मम्मी का हो गया काम शुरू। ठीक है ना भाई, अपने घर है, अपने घर जैसा है। तो भाई मेरे को याद आया जब मैं बच्चों में एक बार आया था ना, तो बहुत पहले यहाँ नीचे ना मैंने दीदी, अरे यार मम्मी आ रहा खाओ मैं इधर, मैं और भैया उस टाइम। अबे यार अभी हम लोग त्योहार पे बैठ रखे हैं, ठीक है। मम्मी ये सब्जी काट रही है, मम्मी सब्जी बना रही है, और मम्मी यहाँ बैठ रखे हैं। और सामने एक चीज दिखाऊं? हाँ देखो बारिश हो रही है और सामने इतना प्यारा व्यू देखो भाई, यहाँ देख सकते हो कितने अबे ओले पड़ गए यहाँ तो। ओ भाई साहब काफी टाइम बाद देखने को मिले ओले, ओले पड़ गए भाई, आज आए और आज ही ओले पड़ गए। देख सकते हो भाई कितना प्यारा व्यू, और सामने पूरी बारिश दिख रही है भाई। सामने ना सामने वाले पहाड़ पे पूरा दिख रहा है, तुम्हें कैमरे में दिख रहा है। सामने देखो कितना अच्छा लग रहा है ना भाई, गांव में आराम से बारिश हो रही है और यहाँ हम लोग बैठ रखे हैं आराम से। यहाँ देख सकते हो धूप भी हो रही है और बारिश भी, स्याओ की बारात। मम्मी वहाँ सब्जी काट रही है खाने के लिए, शाम जल्दी हो जाती है भाई यहाँ। तो गाइस अभी यहाँ से मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। हाँ ये देखो भाई कितना ये है यहाँ पे, और यहाँ देखो भाई ये देखो सामने व्यू कितना भाई, ये देखो। अरे भैया मेहमान आ रखे हैं गाइस, ये छोटा सा किचन देखो कितना प्यारा है। कोहरा चल गया भाई, यहाँ देखो सामने पहले जंगल दिख रहा था, अब जंगल भी नहीं दिख रहा, और यहाँ सामने से कोहरा आ रहा है। अरे ये ठंडा लग रहा भाई, ठंडू लग रहा चक्की। अरे भाई यही तो बात है बल गाँव की। ये देखो भाई भयंकर ही हो रहा भाई, ये बन रहा है इधर खाना चूल्हे पे। हाँ ये देखो पूरा मिट्टी का चूल्हा है भाई, देखो कभी देखा भी नहीं होगा तुमने। सही बात, सही बात। देखो भाई अरे यहाँ से बाहर सीधा वो है तो मिलता है भाई। तो गाइस अभी यहाँ पे खाना दे रही है मम्मी, ठीक है। और इतना अच्छा लग रहा है ना गांव की लाइफस्टाइल, सच में बहुत ज़्यादा भाई, सच में भाई गांव पे रहना मत भाई। और अगर तुम्हें दिख रहा होगा ना, सॉरी यार तुम्हें नहीं दिख रहा यहाँ से ना आसमान। एक तो ये टॉमी आर्क है हमारे पास, देखो ये टॉमी आर्क है, और अभी नहीं दिख रहा है, सच में दिख रहा है। यहाँ ना पूरा आसमान में तारे दिख रहे हैं भाई, तारे सोचो पूरे साफ साफ। हो गया पागल भाई, देखो हमारे बड़ा डॉग तो भाई।